अस्सलामुअलैकुम दिवस, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े की, सब बहुत पसंद आएगी। उसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है, तो ये मैंने लिया है तकरीबन 2 बड़े प्याज और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, लहसुन के 2 जगह लिए हैं और ये मैंने लिया है 3 बड़े टमाटर और ये 6 तकरीबन सब्ज़ मिर्चें, 3 बादियान के फूल, 2 तेज़पत्ता, 3 लिया मैंने दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च और इसमें ये जाएगा बड़ा मिर्च और नमक हसबे जायका वही बिरयानी का, ये थोड़ा सा डालूंगी मसाला। हम स्टार्ट करने लगी हूँ बिरयानी, इसके लिए मैंने 2 कप ऑयल लिया है, 2 कप के करीब ऑयल लिया है। हाँ जी, अब मैं बिरयानी बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। इसमें मैंने ना तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल डाला है और इसमें अब मैं ये प्याज डालूँगी और साथ ही मैंने लहसुन जो काट कर रखा था वो और अदरक मैंने काट कर रखा था, ये मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही ऐड कर दिया। हाँ जी, तो इसके लिए हमने लिए हैं चावल तकरीबन 1 किलो के करीब चावल है, तो मैंने धो के भिगो के रख दिए थे। हाँ जी, ये अब हम इन चीज़ों को लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क नहीं करना, इसलिए तो फिर हमने बाद में इसमें ज़्यादा रंग भी ऐड करना है, तो तकरीबन 5-7 मिनट से लगेंगे इसको ब्राउन होने में, लाइट ब्राउन होने में। लाइट ब्राउन जब हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे और टमाटर और सब्ज़ मिर्च सारे, यानी जो मसाले हैं सारा कुछ इसमें लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें शामिल करेंगे। हाँ जी, अब हम इसमें ना ये सारे मसाला जो शामिल कर देंगे, उसके बाद नमक और गरम मिर्च, ये अब हम टमाटर और गरम मिर्च शामिल कर देंगे, इसको कट कर लेंगे। सब होने के बाद इसमें डालेंगे हम बम्बई बिरयानी, जो 1/2 पैकेट मैंने डाला है बम्बई बिरयानी का, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, बच्चों ने भी खाना होता है इसलिए। उसके बाद हमने ना इसमें गोल खाना डाल देना, अब 10 से 12 मिनट इसको भूनेंगे, इतना अच्छा कलर आ रहा है इसका। पाँच मिनट हो गए हैं, 10-12 मिनट और इसको पकाएंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे, अब ना तकरीबन करीब है इसलिए हमें पानी शामिल करने लगे हैं। तो कायनात मैंने चावल लिए हैं, चावल ये बहुत अच्छे होते हैं, ये दम में पकते हैं, बिल्कुल में थोड़ा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं, बिल्कुल दरकार थोड़ा पानी होगा तो दम पे पकेंगे तो बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। अब मैं ना इसलिए पानी शामिल करती हूँ, बस इतना ही पानी काफ़ी है, फिर इसको गोश्त थोड़ा सा गल जाए, 2-4 बॉयल आ जाए, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। हाँ जी, तकरीबन 10-12 मिनट के बाद ये हमारा ये चिकन मेरे ख्याल से सेट हो गया है, गल गया है, अब इसमें हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कायनात चावल होते हैं ये दम में बनते हैं, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ये मुनासिब पानी में बड़े अच्छे से गल जाते हैं।
बहुत मज़े के बनेंगे। अब ये जो चावल है ना तकरीबन पकने को तैयार है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि ये फिर ये ना चावल टूट जाते हैं। ऐसे जब ठंड हो जाएगा पानी सारा खुशक हो जाएगा, फिर हम इनको ना दम पे रखेंगे। बस अब देखिए पानी खुशक हो गया है, अब हम इसमें कलर डालेंगे, उसके बाद इसको दम पे रखेंगे। और ये ज़्यादा कलर मुझे नहीं अच्छे लगते, बहुत ज़्यादा कलर लोग डाल देते हैं वो नहीं अच्छे लगते, हल्के हल्के कलर ही अच्छे लगते हैं। हम दम पे रख देंगे और तकरीबन 5-7 मिनट के बाद इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी देखिए व्यूअर्स, इतनी प्यारी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो गई। अब हम इसको शॉर्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी प्यारी लगती है, किले किले चावल है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, इसको बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी आपकी हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। बहुत सी वीडियोस आपने बिरयानी की देखी होंगी यूट्यूब पे, लेकिन इस जैसी बिरयानी आपने कभी नहीं खाई होगी। खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि कैसी बनी है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। और इसके साथ मैंने बनाया ये दही, और इसके बीच मैंने सब्ज़ धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला मैंने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी और ये चावलों के साथ बहुत मज़े का लगेगा। आपने ये बिरयानी मेरी देखी है, आपको कैसी लगी है आप इसको देखें और ऐसी बनाएं और मुझे याद करें। और ये इसके साथ मैं दही की बनी और पुदीना और धनिया की चटनी बनाई है, तो ये इसके साथ हम खाएंगे मज़े से। इसके साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।